अल्मोड़ा के विकास प्राधिकरण के विरोध में सर्वदलीय संघर्ष समिति ने सरकार के खिलाफ पहाड़ विरोध कार्य किए जाने के आरोप लगाते हुए सरकार के खिलाफ नई रणनीति तैयार की है। सर्वदलीय संघर्ष समिति ने तय किया कि 25 फरवरी को सरकार के खिलाफ अल्मोड़ा में विकास प्राधिकरण को हटाने की मांग को लेकर उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसमें कुमाऊं भर के लोग प्रतिभाग करेंगे और सरकार की पहाड़ विरोधी नीतियों के खिलाफ बिगुल फूंका जाएगा। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सरकार ने इसके बाद भी पहाड़ी क्षेत्रों से प्राधिकरण को नहीं हटाया तो सर्वदलीय संघर्ष सरकार के खिलाफ न्याय के लिए न्यायालय में जाएगी। एक साल से लगभग जो जिला विकास प्राधिकरण प्रदेश सरकार द्वारा लागू किया गया है उसको पर्वतीय क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थिति को देखते हुए, व्यवहारिक देखते हुए, उसकी कठिनाइयों को देखते हुए यहाँ पर सर्वदलीय समिति के नेतृत्व में धरना किया गया, लेकिन प्रदेश सरकार के कान में जू नहीं रेंग रही है और उसके साथ साथ विधानसभा में भी नियम 58 के तहत सरकार के संज्ञान में भी ये लाया गया है, लेकिन सरकार ने, माननीय पीठ ने आश्वासन दिया लेकिन सरकार ने अभी तक उसमें भी कुछ नहीं किया है। तो इसको देखते हुए 25 तारीख को सर्वदलीय समिति के नेतृत्व में सभी राजनीतिक, सामाजिक, विभिन्न संगठनों के माध्यम से यहाँ पर एक धरने और प्रदर्शन का कार्यक्रम किया गया है और हम सबसे अनुरोध कर रहे हैं कि प्रदेश सरकार की निरंकुशता को देखते हुए, अधर्मता को देखते हुए इस धरने में शरीक होकर इसको सफल बनाए, जिससे कि प्रदेश सरकार जिला विकास प्राधिकरण को निरस्त करने को बाध्य हो। बार बार ये प्रकरण विधानसभा में उठ चुका है, पीठ ने, माननीय पीठ ने निर्देश दिया, दे दिया है सरकार को, लेकिन सरकार ने उसको भी अनसुना किया। दोबारा जब अभी परसों विधानसभा में ये बात उठी है तब फिर सरकार ने जो है एक समिति बनाने का निर्णय लिया है। तो इस तरह से जब लोकतांत्रिक तरीकों से सरकार नहीं सुन रही है तो निश्चित रूप से जनता सड़कों पर उतरेगी और ये शुरुआत है, ये जो 25 तारीख का प्रदर्शन है ये एक शुरुआत है और इस शुरुआत के माध्यम से जनता सरकार को बताएगी कि जनता बड़ी है या सरकार बड़ी है। सरकार को एक सबक सिखाने की बात है कि सरकार जो हम अपनी हटवादिता नीति को, मनमानी नीति को छोड़े। आज न्यूज के लिए अल्मोड़ा से गोपाल सिंह विष्ट की रिपोर्ट। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखी गई वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।